बिहार के रोहतास जिले के अमियावर गांव में पहुंचे मुकेश सहानी, जहां पर फूलों का माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने संबोधन में बिहार सरकार और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संविधान एक है, जाति एक है, देश एक है, फिर भी मछुआरे समाज के साथ हमारे साथ आरक्षण को लेकर भेदभाव क्यों हो रही है। आज हमारी लड़ाई है कि निशा समाज के सभी उपजाति बिंद बेलदार नुनिया माला चाय तियर बनपर गोरी निषाद के 22 उपजाति को आरक्षण मिले एससी का। हमारी लड़ाई है, हमारा मानना है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का, हमारे एक भाई को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन हमें बिहार में, उत्तर प्रदेश और झारखंड में नहीं मिल रहा है साथ। उन्होंने मछुआरे समाज के लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि एक रोटी कम खाइए परंतु अपने बच्चे को पढ़ाइए, संविधान को पढ़िए, तभी हमारा अधिकार मिलेगा। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए सिर्फ दो काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने मछुआरे समाज के लोगों को लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव से सीखने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनके समाज ने उनको पहचाना और उन्हीं के समाज के लोगों की बदौलत लालू यादव ने कई वर्षों तक बिहार में राज किया। उस शक्ति को पहचाना, अपने वोट को ताकत को समझा, उन्होंने अपना, अपने समाज का, अपने राज्य का भला किया। जैसे हमारे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म लिया, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष किए, अपने वोट को ताकत को समझे। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो समस्या का सारा हल हुआ। साथ निषाद समाज के आरक्षण को लेकर मुकेश सहानी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो दिल्ली में बिना निषाद समाज का सरकार नहीं। हमारा नारा है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। साथियों, दिल्ली का सरकार नहीं। मुकेश सहानी ने खुले मन से कहा कि 2024 के चुनाव में जिसको नैया पार लगानी है वो हमें आरक्षण दे, हमारी नाव पर आकर बैठे, तभी हम 2024 में लोकसभा के चुनाव की नैया हम पार कराएंगे। अन्यथा अगर कोई जबरदस्ती हमारे नाव पर बैठा तो बीच मझधार में ले जा कर के उस नाव को हम डुबो देंगे, और हम लोग तो तैर के बाहर आ जाएंगे, फंसेंगे मोदी और राहुल। अगर 2024 में जिसको बैठना है नाव पे, पार लगना है, वो पहले आरक्षण लागू करो, फिर हम नाव पे बैठाएंगे। हम पहले जैसा केवट महाराज नहीं है कि प्रभु राम जी हम आपको यहाँ पार लगाते हैं, आप हमको वहां पार लगा दीजिएगा। हम ऐसा डील करने वाले नहीं है। हम तो कहेंगे भाई मोदी जी, नाव पे बैठने से पहले टिकट कटा लीजिए, नाव पे बैठने से पहले आरक्षण दीजिए, आरक्षण नहीं दीजिएगा तो मोदी जी आपको नाव पे नहीं बैठने मिलेगा। आज आप नाव पे नहीं बैठिएगा तो दिल्ली कैसे पहुंचिएगा। कहीं कहीं जबरदस्ती बैठ गया, वो लोग कोशिश भी कर रहा जबरदस्ती बैठने का, आ कहीं बैठ गया तो नाव लेके बीच में जाएंगे, आ बीच गंगा जी में पलट देंगे। आज जब पलट जाएगा तो हम लोग तो मल्ला है, तैर के बाहर निकल जाएंगे, और फंसेगा कौन, मोदी जी फंसेगा ना। मुकेश सहानी ने खुले मंच से बिहार के नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वे हमारे समर्थन पर ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, अगर हम चार चार विधायक के साथ समर्थन नहीं देते
तो आज बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होते। आज हमारा देन है कि वे बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। हमने चार चार विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, और यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार बिहार में, हिंदुस्तान में, निषाद मल्ला का बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। साथियों, ये हमारी पहचान है।